सब लोगों को सूचना यही देते हैं कि भाई आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। मैं हम लोग का तो ड्यूटी है, पर उससे भी बेहतर हम लोग करते हैं कि कोरोना महामारी में सब किसी का डर है, हम लोगों का भी डर है। हम लोग मान लीजिए पब्लिक के लिए खाना खा रहे हैं रोड पर। इस वक्त मौजूद हूँ गोपालगंज का घोस मोड़ चौराहा पे। यहाँ पे हम तस्वीरें देख सकते हैं कि हमें दो पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं जो कि यहाँ पे तैनात हैं। हम उस तस्वीर को आप लोग को इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि आप देखिए कि पुलिसकर्मी आपके लिए कितनी मेहनत कर रही है। वो घर नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ ड्यूटी के दौरान ही किस तरह से उनको अपना जीवन काटना पड़ा है। ऐसे में हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आपके और हमारे लिए ही पुलिस यहाँ खड़ी है ताकि इस कोरोना जैसी महामारी से हमें और आपको बचा सके। वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, यही वो तस्वीर है। आप देखिए ये जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ ड्यूटी पर तैनात हैं, लेकिन आप देखिए और इस तस्वीर को और इस तस्वीर की कहानी को समझिए कि किस तरह से ये लोग अपने घर नहीं जा पाते हैं। ये ड्यूटी के दौरान इन्हें जहाँ तहाँ बैठकर अपना जीवन यापन करना पड़ता है। यानी वो लोग जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि खाना खा रहे हैं, और यहाँ बैठकर सिर्फ इसलिए यहाँ बैठकर वो खाना खा रहे हैं कि लोगों को बचा सके। इस कोरोना जैसी महामारी में जो लोग सड़कों पर घूम रहे हैं उन्हें रोका जा सके और इस महामारी को बचाया जा सके। हम बात भी करेंगे इनसे कि क्या ये लोग का भी मन तो होगा ही घर जाने का, लेकिन किस तरह से ये लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटन कुमार मिश्रा है। छोटन भाई, आप लोग ड्यूटी पे हैं, तैनात है, कोरोना महामारी है, और घर तो जाने का दिल आप लोग को भी करता होगा, तो ऐसे में क्या आप लोग। मैं हम लोग का तो ड्यूटी है, पर उससे भी बेहतर हम लोग करते हैं कि हाँ पब्लिक के लिए हम लोग सहायक बने, और सब लोगों को सूचना यही देते हैं कि भाई आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। हम लोग यहाँ खड़े हैं इसीलिए कि लोगों को ज़्यादातर बाहर ना निकले दें। यानी लोगों की जान को किस चिंता है आप लोग को, लोगों की जानें बचाने के लिए आप लोग यहाँ दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, और ऐसी जगह पे जबकि घरों में टेबल और घर के परिवार के साथ जो लोग खाना खाते हैं उन सबको छोड़ के और आप अकेले ऐसी जगहों पे बैठकर खा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों के लिए? हम यही बताना चाहेंगे लोगों से कि आप लोग बाहर मत निकलिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बेमतलब का बहुत लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं, ज़्यादातर लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और लॉकडाउन जैसे जैसे कम हो रहा है कोरोना, ज़्यादातर हाँ लॉकडाउन का हो रहा है, फायदा मिल रहा है। तो एक और साथी इनके मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या किस तरह से वो लोग जो हैं अपना जीवन यापन गुजार रहे हैं। क्या नाम होगा? लखन प्रसाद। लखन जी, आप लोग यहाँ बैठे हुए खा रहे हैं, लोगों के लिए आप घर नहीं जा रहे हैं और बाहर खाना पड़ा है, क्या कहेंगे? कुछ ये कहना चाहते हैं कि लोग अपने घर में सुरक्षित रहें, रोड पर मन टहलें। कोरोना महामारी में आप लोग को भी तो डर लगता होगा। हाँ, कोरोना महामारी में सब किसी का डर है, हम लोगों का भी डर है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि लोग अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें, हम लोग भी सुरक्षित रहें। इस कोरोना महामारी में जहाँ लोग घर रह रहे हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसे में आप लोग बाहर सड़कों पे खाना पड़ रहा है, किसके लिए कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मान लीजिए पब्लिक के लिए खाना खा रहे हैं रोड पर, बचाने के लिए कि वो लोग बचे और घर पर सुरक्षित रहे। क्या नाम बताए थे? लखन प्रसाद। लखन जी, ये दो पुलिसकर्मी जो हैं आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से दिन रात अपनी ड्यूटी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कोरोना जैसी महामारी से लोगों को बचाया जा सकता है। हालांकि इस लॉकडाउन का असर भी देखने को मिला है, लॉकडाउन के दौरान जो कोविड मरीजों की संख्या में गिरावट आई है, मौतें कम हुई हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा आपसे भी फिर से अपील करूँगा कि आप घरों से बाहर नहीं निकलें, घरों में सुरक्षित रहें और पुलिस का ख़ासतौर से सहयोग करें, क्योंकि पुलिस आपको मारने पीटने के लिए नहीं बल्कि आपकी जान बचाने के लिए लगाई गई है। गोपालगंज से अयाज अहमद।